subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas. लैला जी, शुरुआत करते हैं. आपने आपने अपना ख्याल कैसे रखा? सबसे पहले तो ये कि मैंने अपनी डाइट का ख्याल रखा. हमेशा, मतलब मैंने कभी डाइटिंग नहीं की, मगर मैंने हमेशा वॉच रखा कि मैं क्या चीज खा रही हूँ. क्या आपने बच्चों का बचा हुआ खाना खाया? नहीं, मैंने कभी नहीं खाया बच्चों का बचा हुआ. वो मेरे मियाँ खा लेते थे. नहीं, मैंने कभी, मुझे क्योंकि पता था कि उससे इंसान जो है ना सबसे ज्यादा नुकसान करता है, वो मोटी हो जाती है, माएं जो होती है, मैंने देखा है. तो मेरी अम्मी भी दुबली पतली थी हमेशा से, तो मैंने कभी, आपने अपनी अम्मी को फॉलो किया कि लाइक वो दुबली क्यों थी, उन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा, तो आपने उनको देख के फॉलो, ये भी होता है. हाँ, अच्छा. तो कभी मतलब इन बिटवीन द मील्स कभी नहीं खाया बच, मतलब उस वक्त. अब तो ये है कि आप थोड़े थोड़े गैप से खा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा. उस वक्त ये था कि आपने बस एक दफा खा लिया, उसके बाद बीच में कुछ नहीं खाना. फिर उसके बाद दोपहर का ही खाना, जैसे नाश्ता किया तो फिर दोपहर का खाना. और नाश्ता हमेशा से करती थी, नाश्ता जरूर. जब आप छोटी रिमा की उम्र की थी, वो मेरी अम्मी जबरदस्ती, वो मेरी अम्मी को नाश्ते की आदत, नाश्ते का, क्योंकि मैं शुरू में मैं बहुत वो करती थी कि नाश्ता नहीं करना, उसे खाया नहीं जाता था सुबह में. तो अम्मी कहती थी कि नहीं, नाश्ता बहुत जरूरी. जंक कितना खाती थी, बर्गर, पिज्जा, फलाना ढमाका. भी नहीं, हमारे जमाने में वैसे भी इतना ज्यादा ट्रेंड था नहीं था बाहर का. हाँ, तो घर का ही खाना ज्यादा होता था, तो इसलिए ज्यादा सब्जियाँ और फ्रूट, अच्छा, इस पे ज्यादा होता था कि जरूरी डाइट में शामिल हो. तो जैसे रिमा की एज से अगर शुरू करते हैं, ये फ्रूट खाने की आदत अम्मी ने डेवलप की थी आपके अंदर? बिल्कुल. हमारे घर में मेरे फादर को बहुत पसंद थे फ्रूट. हमेशा वो मंगवाते थे, रोज हमारे घर में जरूर होते थे. कोई ना कोई, जो भी सीजन का फल हो, जरूरी नहीं है कि बहुत महंगे वाले फल ही हो, जो भी होते थे वो हम जरूर अपने, हमारे यहाँ मतलब रोज की आपकी थी, रोज का फ्रूट खाना है, फ्रूट जरूरी खाना. और सब्जियाँ बनती थी, सब्जियाँ बनती घर में, सैलड्स बनते थे, सैलड्स खाने होते थे उस जमाने में भी. वेरी गुड, वेरी गुड.